हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलकाज किचन। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम ग्रीन चटनी बनाएंगे। आप इस चटनी को पापड़, डोसा, समोसा, दही वड़ा किसी के भी साथ में खा सकते हैं। आइए बनाना शुरू करते हैं मेरी फेवरेट स्पेशल चटनी। ग्रीन चटनी बनाने के लिए ज्यादा आप धनिया लेंगे और पुदीना आप कम लेंगे। धनिया डाल देंगे, पुदीना भी डाल देंगे, ग्रीन चिली, अदरक, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून काला नमक या ब्लैक सॉल्ट, 18 से 20 हम काजू डाल देंगे। आप चाहिए तो इसमें एलमंड डाल सकते हैं, उसके छिलके निकाल के सिंगदाना डाल सकते हैं। मैं काजू डाल रही हूँ क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून शुगर, 1.5 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1 नींबू का रस, सा बर्फ डालेंगे ताकि हमारी चटनी काली ना पड़े, क्योंकि चटनी पीसते समय मिक्सर जार गर्म हो जाता है, और इसको पीस लेंगे। इसमें दही भी डालेंगे थोड़ा सा। इस चटनी को आप नाचो, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, सैंडविच, साबूदाना वड़ा, समोसे किसी के भी साथ में खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगेगी। हमारी चटनी पीस गई है। अब इसमें 1.5 चम्मच हम चाट मसाला डाल देंगे, 1/2 कप दही डाल देंगे। ये चटनी पीस ली है और ये बहुत टेस्टी चटनी है। इस चटनी को इस तरीके से बना के देखिए, ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।